बताएंगे, डंके की चोट पे खड़े होकर बताएंगे, मस्जिद के स्पीकर में खड़े होकर बताएंगे कि तुम। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस काम को आगे बढ़ाने और अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप पेट्रियन, ओनली फैंस या सिंपली पेपैल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है। हेलो एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है महलीज और आज मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करना चाहती हूँ जो कि आजकल बड़ा वायरल हुआ हुआ है, और वो है दी केरला स्टोरीज। सो इस मूवी का सिर्फ अभी ट्रेलर ही आया है मगर उसके ऊपर ही काफी शोर मच गया है। अब हमारे मोमिनों ने शोर मचाना शुरू कर दिया है कि ये चीज़ सही है ही नहीं। अभी मूवी आई नहीं है और उसके ऊपर अपने पूरा फतवा लग जाता है, यू नो। सो जैसे कि आपने बुक पढ़ी नहीं और जो है सलमान रशदी के ऊपर जो है फतवा लगा दिया है। सो इसी तरह से इस पर भी मोमिन बड़े गुस्सा हुए हुए हैं और इस पर लोग रिप्लाई दे रहे हैं। आई थिंक दिस इज जस्ट ऑलमोस्ट लाइक द सेम एज द कश्मीर फाइल्स जो भी आई थी थोड़े अर्से पहले, उस पर भी लोगों ने कहा था ये तो हुआ ही नहीं था, ये तो हुआ ही नहीं था, लाइक इट जस्ट डजंट एग्जिस्ट। मगर लेट्स गो वॉच दिस वीडियो और देखते हैं कि ये साहब इसके बारे में क्या कहते हैं और फिर बाद में मैं आपको इस पर थोड़ा बहुत अपने रिव्यूज दूंगी। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? तो मेरी कॉम ने सही, तीन बंदों ने सही सवाल उठाया है कि एविडेंस लाके दो, एविडेंस लाके दो कि 32,000 लड़कियां गईं और स्टोरी लाइन सही है। हाँ, 32,000 पे तो मैं कुछ नहीं बोल रहा, स्टोरी लाइन बिल्कुल सही है, पर एविडेंस से एक बात याद आ गई कि देखते हैं कि एविडेंस से क्या फर्क पड़ता है। चलिए फिलहाल हमने मान लिया कि 32,000 का कोई एविडेंस नहीं है, 32,000 का स्टोरी लाइन के तो बहुत सैकड़ों एविडेंस। तो चलो सीधे एविडेंस पर आते हैं। तीखे सवाल, एक सवाल एक लाख का। पहला सवाल, मेरे मुसलमान भाइयों जो एविडेंस मांग रहे हो केरला स्टोरी के, कश्मीर में 300 कश्मीरी हिंदू धर्म के नाम पर हलाक किए गए, बलात्कार हुए, घर लूटे गए, मार मार के डरा डरा के भगाए गए, 25-25, 50-50 रुपए में सिलेंडर बिका। अभी जो मूवी आई थी उसमें भी इतना शोर मचाया गया था कि ये भी झूठी है, ये भी झूठी है, कौन सी मूवी लाई है? वहां से मजहब के नाम पर मार के भगाए गए, नारा दिया गया आदमी चले जाओ औरतें छोड़ जाओ, मस्जिद के लाउड स्पीकर से ऐलान किया गया कि कश्मीर में रहना है तो अल्लाह अल्लाह कहना है, निजाम मुस्तफा की मोहब्बत में, शरीयत की मोहब्बत में, इसके तो एविडेंस है ना, तुम्हारे ईमान पर क्या फर्क पड़ा? कोई शर्म, कोई गैरत, कोई रिमोर्स, कोई पछतावा? कोई मुसलमान हमेशा ये बोलते हैं ना कि दूसरों से माफी मंगवानी है, घोरों से बोलते हैं कि भाई तुम लोगों ने ये किया, तुम लोगों ने वो किया। कभी आज तक कभी मुसलमानों से पूछा है कि आपने कभी किसी कंट्री में जाकर उनसे माफी मांगी? मेरे जो फोर फादर्स हैं वो आते हैं ईरान से, कभी आपने जाके ईरानियन जो लोग हैं जो पर्शियन उनके ऊपर देखो हार क्या हो रहा है, हाल क्या हो रहा है उनका, उनसे कभी माफी मांगी कि हमने आकर आपकी पूरी नस्लों को जो है तबाह बर्बाद कर दिया और फेंक दिया? कभी माफी मांगी उनसे? उनसे तुम्हारी सेहत पर क्या फर्क पड़ा या तुम्हारी बेशर्मी में जरा सी गैरत आई? जवाब है नहीं आई। पूरी दुनिया में लगभग 350-400 रजिस्टर्ड टेरर ऑर्गेनाइजेशन इस्लाम का हवाला देके, हदीस का हवाला देके, कुरान पाक का हवाला देके, कुरान पाक की आयते देके, काले झंडे पर आयते लिखकर चल रहा है जो बेगुनाहों को, पिछले 50 साल की बात कर रहा हूं, मार रहे हैं और लाखों मार दिए, इस्लाम का वास्ता देके सुसाइड बॉम्बिंग और गनिंग और पूरी दुनिया में और हिंसा और खून खराबा पूरी दुनिया में। तो एविडेंस है ना, कोई नहीं, शर्म नहीं दिखता है, कोई लिहाज, कोई दिखता। रिमोर्स, कोई पछतावा, कोई माफी, विक्टिम कार्ड तो खेल लेना खाल पर, कुछ फर्क पड़ा? एविडेंस है ना, केरला स्टोरी का तो नहीं है, मैं तो मान लिया नहीं है, इसके तो है ना, कोई पछतावा? कोई नहीं। दूसरा सवाल था, तीसरा आने वाला है। भारत में सैकड़ों ऐसी चीजें हैं जो इस्लामिक लोगों ने, अक्रांताओं ने, मुगलों ने, तुगलक डायनेस्टी ने वगैरह वगैरह बनवाई आर्किटेक्चर, उसमें सैकड़ों जगह ये एविडेंस मौजूद हैं
जहां जो उसमें पत्थर लगे हैं उसमें हिंदू देवी देवताओं या मान्यताओं की कलाकृतियां हैं, एविडेंस हैं कि सैकड़ों मंदिर तोड़े गए। वो तो हमको सबको पता है, दीवारों पर जाकर देख मूर्तियां तोड़ना है आपने। इस एविडेंस के चलते मक्के में भी मूर्तियां तोड़ी थी। तभी कोई एहसास, कोई रिमोर्स, कोई पछतावा, कोई माफी नहीं है, वहां भी नहीं है। केरला स्टोरी का तो मान लिया, इसका तो है ना। तीसरा सवाल हो गया, चौथा एविडेंस बताता हूं। मुसलमान कहता था कि बाबरी मस्जिद वर्जिन लैंड पर बनी है। ये तो इनिशियल आर्गुमेंट था ना। एविडेंस तो नहीं मिले कि प्रभु राम वहां पैदा हुए थे, ये मिल भी नहीं सकते थे, ये आस्था का मैटर है। पर मुसलमान कहता था बाबरी मस्जिद वर्जिन लैंड पर बनी है, यानी उसके नीचे कोई भी या पहले उस पर कोई भी इमारत मौजूद नहीं थी। 500 एविडेंस मिले कि उसके नीचे मानव निर्मित इमारत मौजूद थी। छोटे मोटे नहीं कि सुराई मिल गई, कोई गढ़ा मिल गया, कोई पुराने जमाने का गिलास मिल गया, ना 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 ना। 40 पिलर मिले, मानव निर्मित दीवार मिली। तो एविडेंस था कि बाबरी मस्जिद वर्जिन लैंड पर नहीं बनी थी, उसके नीचे कोई इमारत थी जिसका ग्राउंड फ्लोर बेसमेंट अभी भी मौजूद था एक्सकवेशन के टाइम पर, आर्कियोलॉजिकल सर्वे के। तो जब एविडेंस मिल गया था कि बाबरी मस्जिद वर्जिन लैंड पर नहीं बनी थी, तो कोई पछतावा हुआ था, कोई रिमोर्स था, कोई शर्मिंदगी थी या कोई माफी थी कि हिंदू भाइयों अब एविडेंस मिल गया कि बाबरी मस्जिद वर्जिन लैंड पर नहीं मिली थी। पिलर्स निकले, दीवारें निकली, छोटी मोटी कोई चीज नहीं कि हमारे घर से कोई छोटी मोटी चीज निकल आए नीचे से, कभी खुदाई हो कभी बेसमेंट बने। दे दी वो जगह। एक और भी तो मंदिर पे मंदिर थी, कोई जगह थी, मस्जिद थी जिसके ऊपर लड़ाई चल रही थी। वो कुछ भी था, वो रामलला की जन्मभूमि थी, कुछ था, गौशाला था, कोई सभागार था, कुछ भी था, वो इस्लामिक आर्किटेक्चर का नहीं था। और मुसलमान कह रहे थे कि वर्जिन लैंड है, इसके नीचे कुछ भी नहीं, पर तुम्हें कोई शर्म नहीं थी, वो भी एविडेंस मिला था। नाम ही हिपोक्रेसी है। डर रहे थे मुसलमान, मुनाफ़िकत। एविडेंस मिला, मस्जिद के अंदर डमरू मिले, मस्जिद के अंदर त्रिशूल मिले, मस्जिद के अंदर घंटियों की कलाकृतियां मिली, मस्जिद के अंदर स्वास्तिक मिला। अबे दुनिया की कौन सी मस्जिद के अंदर ये सब मिलता है? मैं तो अभी शिवलिंग की बात ही नहीं कर रहा, मिला ना। उठा के दे दो हिंदू भाइयों को कि मिल गया एविडेंस। तुम तो केरला स्टोरी में एविडेंस मांग रहे हो ना, और एविडेंस का इतना शौक है तो एविडेंस दे दो ना कि वो फाउंटेन था, वो फव्वारा था, वो शिवलिंग नहीं है। आगे बढ़ो, एविडेंस दो, कहो, पीआईएल डालो, पिटीशन डालो सुप्रीम कोर्ट में कि सुप्रीम कोर्ट एक एक्सपर्ट कमेटी बनाए जो एक्सकवेशन करे वजू खाने के चारों तरफ और पता लगाए कि कैपिलरी मोशन से पानी कैसे निकलता था, पानी कहां से आता था। करो, दो एविडेंस का तो बहुत शौक है। सो फनी, ये तो ज्ञानवापी त्रिशूल भाला डबल। इट्स नॉट फनी मगर इट इज फनी। अरे क्योंकि इतनी शर्म नहीं आती ना। पश्चिमी दीवार है जिस तरफ बैठ के मुसलमान सजदा करता है अल्लाह ताला को, उसी दीवार से चिपकी हुई माता सिंगार गौरी का स्थान है। इससे बड़ा एविडेंस क्या चाहिए बेशर्मों? दे दो ना। नहीं दोगे क्योंकि तुम्हें मौके पर एविडेंस मांगना आता है और मौके पर एविडेंस को ठुकराना आता है। सवाल अभी खत्म नहीं हुआ। जलेबी बनाना भी जारी रहे, फेक न्यूज फैलाना जारी रहो, पानी जलो ठंडा क्योंकि आज बहुत मिर्च लगने जा रही है, पीने के लिए नहीं धोने के लिए। एविडेंस है, एविडेंस है कि इस्लामिक बहुत सी थियोलॉजी में और लिटरेचर में गैर मुस्लिमों को जहन्नमी बताया गया है। उसको तो तुम नहीं झुटला सकते ना। नहीं, इसको भी झुटलाते हैं। मान ले भी झुटलाते कि मुस्लिम थ्योरी और मुस्लिम लिटरेचर में ही अपने आप में हेट स्पीच छुपी हुई है। ओह माय गॉड, जिसका विरोध या जिसके खिलाफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर किया है। हेट स्पीच पर मैंने कल वीडियो बनाया था, इसका लिंक पीछे पड़ा है, ये देख लीजिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो था।
बताओ या कह दो वो झूठ है, कह दो जो लिखा है वो झूठ है, वो गलत है। एविडेंस जलेबी बनाने की कोशिश तो करते हैं ना, है इस्लामिक लिटरेचर में, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं पढ़ेगा उसे माफ़रत नहीं मिलेगी, उसे अल्लाह की माफी नहीं मिलेगी। एविडेंस है या कह दो सब झूठ लिखा है, और अगर एविडेंस चाहिए तो वो मैं दे दूंगा। कहो बना तुम प्रोग्राम, नहीं बनाऊंगा, तुम्हारी जल के राख हो जाएगी, तुम्हारी जल के राख हो जाएगी, इस मारे नहीं पड़ा। जल के भाग जाएंगे, फट जाएंगे। गर्दा स्टोरी का एविडेंस मांगने वालों हलाला के एविडेंस हैं, मानोगे कि मजहब के नाम सारी पॉइंट्स पकड़े, मानोगे मजहब के नाम पर मौलवियों ने किया, मानोगे? मानो, एविडेंस है। क्या होता है तुम्हें एविडेंस का बड़ा शौक है ना? जो औरत कहेगी मेरे साथ हलाला हुआ, कमीनों बेशर्मों जलीलों, उसे कह दोगे वो आरएसएस की दलाल है। यहाँ ये तो मेरे को एविडेंस है ना कि 9 सेकंड में शादियां खत्म कर दी गई तल्लाक के बिद्दत से, सैकड़ों एविडेंस है, सैकड़ों नहीं हजारों। और जो औरतें उनके खिलाफ लड़ी उनके ऊपर मोहर लगा दी आरएसएस का, भाजपा का दलाल होने की, बेशर्मो, इसका तो एविडेंस है ना। मुसलमान औरत ही हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट गई ना, कोई हिंदू तो नहीं गई ना, वहां कोई शर्म थी, कोई पछतावा था, कोई रिमोर्स था, कोई इंट्रोस्पेक्शन था? कृपान में झांक के देखा था कि मुसलमान औरतों के साथ क्या हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट में लड़ने वालियों के साथ खड़े हुए थे बेशर्मो, एविडेंस था। अभी सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा है जब मैं बोल रहा हूं हिना बख्तियार का, कि तलाक शादी की शौहर ने और तलाक लिख के भेज दी वकील ने, और बेशर्म उसका शौहर कह रहा है हो गई तलाक। तौबा तौबा तौबा, तुम हिना को भी भाजपा का दलाल बोल दोगे? इसका तो एविडेंस अभी है जो चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। हाँ, लेके जा रही है। इतनी बेशर्मी ना करो, टेक्स्ट करके तलाक दे रहे हैं आजकल लोग। इतनी बेशर्मी ना करो कि हश्र के दिन हजूर तुम्हारा गिरेबान पकड़ के कहें कि लानत है तुम पर कि तुम मुझे मानने वाले थे। अल्लाह भी अभी कह रहा हूं क्या कौम पैदा कर दी मैं। इतनी चीजों के एविडेंस है, एविडेंस है कि हिंदू ने खुले मन से रोजा इफ्तार में और मिलादुन नबी में हमारी टोपी पहनी है और अपने कंधे पर साफा डाला है इस सेक्युलरिज्म के लिए, इस भाईचारे के लिए, बेशर्मो। और एविडेंस इस बात के भी हैं कि मुसलमान ने कभी अपने कंधे पर फक्र से, शान से और मोहब्बत को कायम करने के लिए अपने सर पर, अपने कांधे पर मां की चुनरी 10 मिनट के लिए नहीं डाली। इसके लिए भी एविडेंस है बेशर्मो, इसके लिए भी एविडेंस है। लेकिन जब कोई हिंदू टोपी पहनने से मना करता है तब तुम्हारे पेट में दर्द होता है। यह है तुम्हारा एविडेंस की फिराक में या एविडेंस की मांग में दोहरा मापदंड। और चलते चलते एविडेंस था कि अफजल आतंकवादी था, पर वहां तुमने एविडेंस नहीं देखा, वहां तुमने नारा दिया। सारे उनको नहीं दिखते ना, ये सारे जिहादी नहीं दिखते हैं क्योंकि वो इस्लाम फॉलो कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली स्टोरी लाइन को चैलेंज मत कर देना, 32,000 को भले चैलेंज करो, मैं भी इस फिगर पे मोहर नहीं लगा रहा हूं, लेकिन ये स्टोरी लाइन, कितनी लड़कियां रजिस्टर्ड गईं और वो इस मारे संज्ञान में आईं क्योंकि उन्होंने सरकार से मदद मांग ली। अगर वो मदद ना मांगती अगर वो मदद ना मांगती तो गवर्नमेंट यही समझती रहती कि वो अरब में, बहरीन में, यूएई में कहीं अपने शौहर के साथ हैं और ये लड़कियां भी रजिस्टर्ड ना होती, ये भी गिनती में ना आती। अगले वीडियो में तस्वीरों के साथ एविडेंस दूंगा और ये एविडेंस बहुत पहले से पब्लिक डोमेन में है पर लोगों तक पहुंचे नहीं है कि लड़कियां भलकलाई गई, लड़कियां कन्वर्ट करी गई फिर लड़ने के लिए आइसिस के साथ। ये तो नॉन चीज है, ये कोई चीज छुपाने की भी नहीं है। तो सीरिया कोई जानता है, हर जगह कर रहे हैं, भेजी गई, नॉट ओनली इन इंडिया। मैं जानकारी दूंगा। अगर जरा से भी शर्म है वो लोग जो कहते हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, अकाउंट डिटेल दे दूंगा, पैसा मुझे भिजवा देना। और वो लोग जो कहते हैं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं,
ये वो बेशरम हैं जो आज तक मानने को तैयार नहीं हैं कि मैदान करबला में मुसलमान ही मुसलमान को मार रहा। जय हिंद वंदे मातरम। सो जैसा कि आपने देखा, इन्होंने कोई चीज मेरे ख्याल से नहीं छोड़ी। आई थिंक जिस तरह से कहते हैं ना कि सही तरीके से आईना दिखाना, तो वो आईना दिखाया है इनको। पहली बात तो ये कि अभी तो मूवी आई ही नहीं है, और जब मूवी आएगी तो उसके बाद आप बता सकते हैं कि भाई ये ऐसे हुआ या नहीं हुआ। ऑन दी अदर हैंड, जब विक्टिम्स के वीडियोज आ रहे हैं सामने, तो आप उसको कैसे झुटलाएंगे? मगर ये तो इनका वही होता है, तकिया तकिया तकिया। जब तक झूठ बोल सकते हो उस वक्त तक झूठ बोलो, राइट? दिस इज बिन देयर थिंग। और हिपोक्रेसी की अगर आप बात करें, तो मैं तो कहती हूँ सबसे बड़े मुनाफिक, आई एम सॉरी टू से, मुसलमान होते हैं। यानी सीरियसली, सबसे बड़े मुनाफिक आपको मिलेंगे। आपको बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स मिलते हैं जो अपने आपको मॉडरेट मुस्लिम बोल रहे होते हैं और वो दूसरी चीजें कर रहे होते हैं। ऐसा एक, इट्स नॉट अ बफे। ये आपकी रिलीजन जो है ना, बफे की तरह नहीं है कि आप यूं कर लूंगा। एक तो कितने सारे किस्म के मुसलमान हैं, और उन्होंने सही बात की, मुसलमान ही मुसलमान को मार रहा है। आप लोग दूसरों को कहने, गैर मुसलमानों को तो छोड़ो, आप खुद शिया सुन्नी अहमदी इन चीजों में बटे हुए, आप उनको नहीं छोड़ते हो। सो ऑब्वियसली दिस इज इट। मगर ऐसी चीजों पे ये सारे यूनाइट हो जाते हैं। यू नो, आपने नोटिस किया है कि ऐसी चीजों पे यूनाइट हो जाते हैं, ताकि यूनाइट हो के अपना इनका जो दुश्मन है अभी, फॉर इंस्टेंस नाउ, अभी हिंदुओं के पीछे पड़े हुए हैं, वरना यहाँ पर क्रिश्चियंस के पीछे पड़े हुए होंगे, एनीबॉडी दैट इज नॉन मुस्लिम। सो आई थिंक ही कवर्ड मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स जो के दैट इज द ट्रूथ। आप कब माफी मांगेंगे? आप कब ईरान जाएंगे और मेरे जो फोर फादर्स हैं उनसे माफी मांगेंगे कि आपने वहां पे तबाह बर्बाद कर दिया उनका कल्चर, उनकी नेसो नाबूद कर दी हर चीज। जहां जहां इस्लाम जाता है वो नेसो नाबूदी करता है, और इसकी आपको एग्जांपल अब वेस्टर्न कंट्रीज में दिख रही है। और अब ये तलवार के साथ जिहाद नहीं कर रहे हैं, अब ये समझदारी के साथ जिहाद कर रहे हैं। मुस्लिम ब्रदरहुड जैसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इसको आगे पहुंचा रही हैं। एनीवेज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक। इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस काम को आगे बढ़ाने और अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप पेट्रियन, ओनली फैंस या सिंपली पेपैल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है।